राशन घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। तलाशी और पूछताछ करने के बाद देर रात ईडी ने राशन घोटाले में उत्तर 24 परगना के बनगांव के पूर्व चेयरमैन शंकर आद्य को गिरफ्तार कर लिया। ईडी सूत्रों के मुताबिक उन्हें संदिग्ध लेनदेन और बयानों में विसंगतियों के कारण गिरफ्तार किया गया है। शंकर को आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी। ईडी के अधिकारी शुक्रवार की रात बनगांव से शंकर को लेकर कोलकाता के लिए रवाना हो गए थे। केंद्रीय एजेंसी शनिवार को शंकर को कोर्ट में पेश कर अपनी हिरासत में लेने के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। गिरफ्तारी के बाद शंकर ने कहा कि मैं केंद्रीय एजेंसी की जांच में सहयोग करूंगा। शंकर को गिरफ्तार करने और उसके बनगांव स्थित घर से बाहर ले जाने के दौरान ईडी को विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध करने वालों में महिलाएं सबसे आगे थीं। ईडी के साथ चल रहे केंद्रीय बल के आह्वान पर ईंटें फेंकी गईं। ईडी और केंद्रीय बलों का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है, यह आरोप लगाए जा रहे थे। यह भी आरोप है कि केंद्रीय बलों ने लाठीचार्ज किया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक शंकर के ससुराल में तलाशी के बाद करीब 8.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ईडी के मुताबिक लेनदेन के संबंध में जो भी जानकारी मिली है वह संदिग्ध है।